डूब रहा तन झूठा कि नर्क निदाना नर्क में बात न जाकर बचा कोई नहीं, जो ये कर रहे हो बचने का कोई साथ नहीं। बोलो ये जग संग रंग भग जाना आदि अंत नहीं मिला ठिकाना। इस जगत में ये रंग भंग खाते पीते सोते हो ये वो ये जो करते हो ये रंग भंग ना इतना हाथ पता चलेगा ना अंत में कहाँ से आए और कहाँ जाए कहाँ जाएंगे और कहाँ से आए कुछ नहीं। न तुमने इतना पता लगाया मैं कहाँ से आया कहाँ जाना मुझे कुछ। या से साध संग सुखकारी ऐसे जवाब दीन ते ही नारी। उत्कर्या स्त्री ने गोस्वामी जी को जवाब दिया इससे साध संग सुखकारी। उसके मन में एक बात नहीं आई, उन्होंने जो जो कहा उसको ऐसे कुछ नहीं ये सब झूठा है साध संग सुखकारी। करिया कह स्वामी सुनो झूठा जगत पसार लोभ मोह मद फंसी रहे क्यों कर उतरे पार। करिया कहती है कि अरे संसार ये तन जो है ये लोभ मोह मद में इसमें फंस गया कैसे उतरेगा पार। तो इसलिए हम आए हैं जीव गति का राह बताइए, हम और कुछ नहीं चाहते न बच्चे चाहिए न धन चाहिए न और कुछ, जीव गति का रास्ता बताइए। ये पुकार कर रही हो तो कुछ नहीं मांग रही, उसको सब खुद कह रही है तो सब झूठा है, इसमें कोई चीज सच नहीं और इसी के लिए तो नरक बात होगा नरक जाना पड़ेगा। बोलो स्वामी करिया बहुत भुलाई ताके मन में एक नया। गोस्वामी जी ने करिया को बहुत बुलाया, उनकी जितनी बातें थी उसके मन में एक नहीं बैठी, एक भी बात नहीं मन में लाई, तो जीव गति का राह बताओ और कुछ नहीं चाहते। बहुत बुलावे की बात की लेकिन कुछ मन में नहीं बैठी नहीं। पहले जगत भाव दर्शावा ताके मन ही झूठ सब भावा। कहते हमने जगत भाव दर्शाया तो हमारा दर्शाना उसको झूठ लगा, ये सब झूठा और धोखा है। बोलो ऐसी नारी पोह जब जानी मन ते ही केर मरम पहचानी। मजबूत स्थिर बुद्धि का विवेक समझ गया और मरम को यदि चिल्लाती है कि हमको जीव गति का असली रास्ता दीजिए, यह चिल्ला रही जब उन्होंने खूब ठोंक बजा के समझ लिया कि पक्की हो गई अब यह हिलजुल नहीं सकती है। बोलो बुद्धि शुद्ध शीतल चित गाता हित कर वचन प्रीत की बात। शुद्ध बुद्धि से शुद्ध बात करती और हित की बात करती है और कोई चीज नहीं, और कहती है भाई जीव गति मालिक को चाहती है। हमने खूब ठोका बजाया जरा भी हिली नहीं। बोलो विरह भाव विधि हृदय भीनी ऐसी नारी पार रस चीनी। एक विरह भाव में हृदय उनके जो शिष्य थे वो भी पहुंचे थे उनके सामने रोई कि जैसे भी हो तैसे जीव गति का राह बता दीजिए, और चिल्लाई जोर से कि हमको दिलवा दीजिए हम उस रास्ते में चलेंगे। बोलो ऐसा तो बोल जब जाना तब ते ही सगरा भेद बखाना। तो जान लिया खूब अच्छी तरह से तोल लिया बोल करके तोला है और सब समझ लिया कि और कुछ नहीं आए तो इसमें फिर मैंने सब भेद बताया। बोलो गुप्त भेद सत सत सर सावा
पता कर ही आवा। शुद्ध भेद मिला सच्चा सच्चा मालिक का तब का, तब उसके हृदय में आनंद व्याप्त हुआ। ये रास्ता सच्चा है और हमको इस सच्चे रास्ते पर मिल जाएगा। और वो चढ़ने लगी, चढ़ाई उसकी होने लगी कि वो तो मालिक को चाहती थी। शुद्ध भेद उसको मिल गया सब रास्तों का, और चढ़ाई उठने की तो सबसे मिलाप किया। इधर का भी पाया, पार ब्रह्म को भी और ब्रह्म को भी और महाकाल पुरुष को भी पाया, तब दाखिल सतलोक में तब दाखिल हुई। बोलो दीन ही सूरत संधते ही हाथा आज्ञा ले पुनिनायो माथा। देखें कि मैं जब उसको सूरत का रास्ता शब्द का बता दिया तो आज्ञा ली और जड़ों पर माथा टेका और आज्ञा लेकर के फिर घर गई। जाते ही उसने किया, यहाँ से गई दो चार घंटे तो उसने जाते ही किए, लगाए तब और कुछ किया होगा। फिर उसके बाद शाम को, फिर उसके बाद रोज रात को, फिर उसके बाद सुबह, तो सोने का कब मौका मिला होगा उसको, तो नींद उड़ गई तो भूख भी चली गई। जब नींद उड़ जाए तो भूख भी जाती है, उड़ गई। यही हमको ये रास्ता मिला, जल्दी से चलो इसको पार करो। बोलो संघ सखी सब अचरज लाई, कौन बात तो यही कान सुनाई। और जो दुनिया गई थी उसके साथ, अकेले तो नहीं गई थी, इसको कौन वस्तु उन्होंने दे दी और हम लोग वैसे ही रह गए। हम लोगों को कुछ नहीं मिला और इसको वस्तु दे दी, इसको वस्तु मिल गई तो कहा थी जाओ। घट का चार बसेरा पाई, पुन सिर नाए पाए घर आई। रात्रि को वही रही, सुबह हो गई तो आज्ञा लेकर घर गई। कर्मा नारी पूछ बिख्याता, कहो कहा गई कौने साथा। कहते हैं अरे भाई कर्मा था वो तो बड़ा विख्यात था, तो मैं उनके साथ ही वहाँ नदी के किनारे साधु रहते हैं, उनका दर्शन करते, उनके साथ गई। मैं अकेले तो गई नहीं थी। तब करिया बरतंत सुनावा, स्वामी वर्णन विधि बतावा। उन्होंने स्वामी की विधि बताई, अंदर चलने का बाहर, अंदर चलने का रास्ता हमको दिया। हम नहीं बता सकते क्या दिया तुमको, अगर पूछना है तो नहीं थे पूछो, लेकिन अंदर का रास्ता दिया भजन करने का। उसने कहा ठीक है तुम भजन करो, हम नहीं रोकेंगे। हाँ सुन कर मा मन भयो आनंदा, अब तोर छूट काल कर फंदा। आदमी था उसको तो आनंद मिल गया, अब तो तेरा फंदा छूट गया, अब तो तू मुझसे पहले जाएगी, घर पहुंच जाएगी जहाँ से आए वहाँ। करिया संग सखी एक जैनी, ताकर नाम रहे पुनि सैनी। करिया के साथ जैनी मत की एक सैनी है, उसके साथ गई थी। स्वामी दरस गई दरबारा, पुरुष भेद सुन पायो सारा। भाई स्वामी के दरबार में गई थी दर्शन करते, उसके पुरुष को मालूम हुआ कि वहां साधु के पास गई थी दरबार में दर्शन करने। बोलो सुना पुरुष ते ही भर्म समाना, नारी गई घर भाया बिराना। और उसको ये भ्रम हुआ कि हमारी औरत उसके साथ गई थी साधु को दर्शन करने के लिए, तो वो तो उनकी हो गई और ये गई है, तो उसको भरम हुआ कि अब तो गई, अब हमारे हाथ में नहीं रहेगी, अब तो वीरान हमारा घर हो जाएगा। बोलो पुरुष नाम है कालू जे ही,
नाग लोग कहीं बार जतते ही। आलू को कहते हैं कि अरे तेरी नारी क्या थी, तेरे बस में थी, तू उसके बस में था। बड़ा लोग झिटकारते हैं, ठूकते हो, जैन मत के थे, तो अब उसको ये है कि अब क्या किया जाए।